आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन के मंथली करंट अफेयर्स में हम लोग मई मंथ की मैगज़ीन को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली हैं, एक बार आपको हल्का सा बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। अगर आप यहाँ से पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस सीरीज़ को, पॉलिटी पूरा हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन पूरा हो गया है, इकॉनमी के अंदर हम लोगों ने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में आपको नेक्स्ट थ्री टॉपिक्स मिलेंगे, लेबर लॉ रिफॉर्म्स, इंपैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही अगले तीन टॉपिक हो जाएंगे पूरे और ये पूरी का पूरा टॉपिक खत्म। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा लेबर लॉ रिफॉर्म्स। लेबर लॉ रिफॉर्म्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, जैसे हर पिछली भी सीरीज़ में मैंने बहुत बार आपको दिखाया था, कि कुछ मेंस के क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे। देखो, जब आप ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन को देख लेते हो ना, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि मुझे पढ़ना क्या है इस टॉपिक में से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। और लेबर तो एक इतना मतलब डायरेक्ट है, जब आप इंटरव्यू अगर हम बैठते हो ना, तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इंडिया जो तीन चार मेजर प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रहा है उसमें से एक बताइए। तो उसमें जैसे एजुकेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, उसी तरीके से लेबर की भी सिचुएशन जो होती है ना, ये भी उसमें पूछा जा सकता है। तो लेबर लॉज अभी कोविड-19 के दौरान भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्लस में लेबर लॉज के रिगार्डिंग इस गवर्नमेंट ने कुछ एक रिफॉर्मेशन के लिए भी एक बिल पास किया था। हर एक चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो पहले आप लोगों को मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। सभी प्रीवियस ईयर मेंस पेपर की जो एक कंपाइल्ड पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर कैसे मिलेगी, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में, इस पीडीएफ में मैंने सर्च किया है लेबर, और लेबर के देखो जो भी टर्म्स आएंगे मैं आपको सारे बताते चलूँगा कि किस किस ईयर के अंदर कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड लेबर। ये आया था 2003 में मेंस पेपर 2 के अंदर। फिर आया था, डिस्कस द स्टेप्स टू गेट रिड ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2007 में जीएस वन में। फिर ये एक जी सेट का, इसको तो हटाते हैं, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन की तो हमको ज़रूरत नहीं है, इसमें काउंटिंग वगैरह की बात की जा रही है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये। इसके अलावा आगे देखते हैं, हाँ ये एक क्वेश्चन आया था, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली क्लियर द प्रपोजल टू रीनेम एंड अमेंड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। ये सवाल हमारा आया था 2012 में, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2012 तक के तो आप करके भी जाते हो, चाइल्ड लेबर के ऊपर था ये। फिर ये GS4 का, इसमें एक सिचुएशन वगैरह दे रखी है, तो इसको तो हम रहने देते हैं अभी। हाँ ये पढ़ते, 2015 का GS1 का है, डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड्स ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डेकेड्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है हमारा 2015 का ही है, GS3 का। देखो, जो 2015 में दो क्वेश्चन थे, सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स डिस्कस विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये था हमारा। अच्छा, 2015 में एक और भी था, व्हाट आर द एरियाज ऑफ प्रोहिबिटिव लेबर दैट कैन बी सस्टेनेबली मैनेज्ड बाय रोबोट्स डिस्कस द इनिशिएटिव्स दैट कैन प्रोपेल रिसर्च इन प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर सब्सटेंटेटिव एंड गेनफुल इनोवेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा था ये। GS4 का है तो एक सिचुएशन दे रखी पूरी की पूरी, 2016 का था ये। 2017 में GS3 में क्वेश्चन आया था, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, सजेस्ट मेजर्स फॉर मोर लेबर इंटेंसिव रादर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। इसमें डायरेक्ट लेबर के बारे में बात नहीं थी, लेकिन लेबर इंटेंसिव और लेबर एक्सटेंसिव जो चीज़ें होती हैं उन सबके बारे में था। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा था, ये भी आई थिंक GS4 का होगा। GS4 का मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो सिचुएशन दे रखी है एक। हाँ, 2018 में बिल्कुल रिसेंटली GS1 का पेपर आया था, व्हाई इंटेंशन लेबर वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और GS4 में एक उन्होंने एक और क्वेश्चन दे रखा है। मेरा मोटिव था कि आप लोगों को दिखाना कि देखो किस टाइप के माइग्रेशन का आया था, चाइल्ड लेबर को लेकर आया था, जो रिफॉर्म्स वगैरह किए थे गवर्नमेंट ने, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब में जहाँ जहाँ लेबर का होता है ना, उस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब जब हम ये लेबर रिफॉर्म्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि हमें क्या क्या चीज़ इसमें से समझनी होती है। हमारा टॉपिक है लेबर लॉ रिफॉर्म्स 3.5। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक था, पूरे ही वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। रिसेंटली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया था कुछ ऑपरेशंस को जो कि लेबर लॉस के थे अपने अपने स्टेट्स के अंदर। मेजरली जो दो स्टेट्स थे वो हमारे यूपी और मध्य प्रदेश थे। क्या किया था नीचे हम लोग वो देख लेते हैं, तब तक लेबर लॉस के बारे में हल्का सा एक फैक्चुअल डेटा कलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल रहेगा और मेंस के अंदर क्वेश्चंस में एज अ मतलब जो बफर पॉइंट्स डालते हैं ना हम लोग, एडिशनल पॉइंट्स देते हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि लेबर जो है ना, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये किस कौन से उसमें आती हैं स्केड्यूल में, ये 7 स्केड्यूल में आते हैं। इसकी PDF आप लोग जैसे गूगल पे लिखोगे ना 7 स्केड्यूल ऑल सब्जेक्ट्स, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से एक PDF मिल जाएगी, ऑफिशियल है वो,
उसको प्रिंट आउट करके अपने टेबल पे लगा लो, दो तीन पेजेस की लिस्ट है वो, आपको ना आइडिया रहेगा किस किस टाइप के सब्जेक्ट कौन से कहाँ कहाँ होते हैं। तो जब लेबर हमारा कंकरेंट में आता है, कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट भी लॉ बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है लॉ, लेकिन जो सिर्फ यूनियन में होते हैं उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, जो स्टेट में होते हैं उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। एक होते हैं हमारे कुछ रेजिडरी भी होते हैं, रेजिडरी का मतलब होता है वो इन तीनों लिस्ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है जिसके ऊपर लॉ बनाने, रेजिडरी की पावर जो होती है वो सेंटर के पास होती है, उसके ऊपर केंद्र सरकार ही अपने कानून बना सकती है। तो करंटली हमारे पास 44 लेबर लॉज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं और 100 के आसपास हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लेबर इश्यूज आते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना रही है। इसी के रिगार्डिंग लेबर लॉज जो है ना वो प्राइमरली चार कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ध्यान रहे। कंडीशन ऑफ वर्क जो कि आता है इंक्लूडिंग द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोल्यूशन एक्ट 1970। क्या ये ज़रूरी है याद करना? हाँ ये ज़रूरी है याद करना, अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट बनना चाहते हो, एक अच्छे एग्जाम की तरफ आप बढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से जाना ज़रूरी है। वेजेस एंड रेम्यूनरेशन, देखो ये इंडिया का इशू है लेबर, ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंक्लूडिंग द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का, इस सेक्शन को सच में बता रहा हूँ, ये इतना इतना पार्ट है ना, नोट डाउन कर लो, अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंक्लूडिंग द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 का, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 का, प्रीलिम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी और इंडस्ट्री रिलेशन, चार कैटेगरी उसने बता दी है, कंडीशन ऑफ वर्क, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री रिलेशंस। इंडस्ट्री रिलेशंस वाला आता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जिसको IDA भी बोलते हैं, 1947 में, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 का। अब इतने सारे लॉज होने के बाद, 100 लॉज स्टेट के पास है, 44 सेंटर के पास है, मल्टीप्लिसिटी होती है, डुप्लिसिटी होती है, कन्फ्यूजन होती हैगी, ठीक है, और बहुत सारी डिफिकल्टीज़ के कारण क्या होता है कि रिफॉर्म्स को भी इजीली इंप्लीमेंट करना टफ हो रहा होता है। अगर हम लेबर लॉज की बात करते हैं तो 7 से 8% ही होता है जहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ बेनिफिट हो रहा होता है, क्योंकि इतने ही लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, 92 से 93% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर है। तो इतने सारे लॉज और इतने सारी जो इंप्लीमेंटेशन हुए वो प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पाती हैंगी। रिसेंट चेंजेस क्या कुछ हुए थे, कौन से स्टेट ने किए थे और उनको करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, हमको नीड हम या नीचे पड़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस किए थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या चेंजेस किया था 1000 दिनों के लिए। 1000 दिन का मतलब क्या बनता है, 365 दिन होते हैं ना एक साल में, तो 1000 दिन के लिए मतलब इन्होंने तकरीबन 3 साल के लिए कुछ चेंजेस किए थे। जैसे कि इन्होंने कुछ ऑब्लिगेशंस हटा दिए लेबर लॉ, जैसे मध्य प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, इन सब के अंदर इन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस दिए थे एम्प्लॉयर्स को। एम्प्लॉयर मतलब जो मजदूरों को काम देता है। देखो हुआ क्या ना कि COVID-19 पैंडेमिक के दौरान ना इकॉनमी जो है ना वो नीचे चली गई है। अब इकॉनमी नीचे चले जाने के बाद उसको दोबारा रिवाइव करना है, उसको दोबारा साइकिल में लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हमको एम्प्लॉयर को, ठीक है, ट्रेड यूनियन वगैरह को थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी कि आप लोग थोड़ा सा काम ज़्यादा करो, ज़्यादा लोगों से काम करवाओ। इसी कारण कुछ स्टेट्स ने क्या किया था कि उनको थोड़ी सी छूट दे दी थी। अदरवाइज़ क्या होता है कि इनको ना थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करोगे, इतना पैसा देना जरूरी है, इतना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी, इस जगह में इतना लोगों को इंप्लीमेंट करो तो वेरीफिकेशन कराओ, बहुत सारी ना वो है प्रोटोकॉल्स हैं। सरकार ने क्या किया कि लेबर लॉज को थोड़ा सा सस्पेंड कर दे कि इन चीज़ों में आपको छूट दे दी है एम्प्लॉयर्स को, फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, कि भाई इनसे थोड़ा सा काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना पैसा बनता है एक्स्ट्रा पैसा दो, इकॉनमी को दोबारा से किक स्टार्ट करो अच्छे से। तो वही सभी कहना चाह रहा है, न्यूली एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज होंगी ना उनको एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयर्स को कोई ज़रूरत नहीं हायर और फायर की, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो काम कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स में इंक्रीमेंट कर दो 8 से 12 घंटे के लिए, फैक्ट्रीज को अलाउ कर दिया था कि वो विदाउट सेफ्टी और हेल्थ नॉर्म्स के ऑपरेट कर सकती हैं, जो नई फैक्ट्रीज होंगी उनको एग्जेम्पशन दे दिया था फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से कि कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर। उत्तर प्रदेश ने भी ऐसे कुछ चेंजेस लेके आए थे, उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 लेके आए थे, ऑल डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयड वर्कर्स विल बी मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली, उनको जो पेड थी वो अबव मिनिमम वेजेस वगैरह के, बेसिकली आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा किसने क्या किया था, क्योंकि ये चीज़ें टेम्परेरी बेस पर होती हैं। मेन हमको ये जानना है कि नीड क्या थी ऐसे रिफॉर्म की, क्या जरूरत आ पड़ी थी। COVID-19 का जो शॉक लगा था ना, तो इसलिए इनकी टेम्परेरी नेचर रखी थी सस्पेंशन की। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात की थी इन्होंने, इनेबलिंग द माइग्रेंट वर्कर्स टू अर्न ए लिविंग फॉर देमसेल्फ, जो माइग्रेंट वर्कर्स सिटीज को छोड़ के अपने अपने घरों को लौट गए थे उन सबको वापस बुला करके उनको काम दिलवाने की, ताकि उनका भी लाइवलीहुड चलता रहे और इंडस्ट्रीज भी चलते रहे, हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम ना आए। फर्दर इट विल ईज द प्रेशर और हिंटरलैंड एंड रूरल एरियाज। हिंटरलैंड का मतलब होता है दूर दराज के इलाके, रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर एक्सेस वर्कफोर्स चला गया है COVID-19 के दौरान माइग्रेशन के द्वार, वहाँ इतना सारा प्रेशर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर बहुत बढ़ गया उस एरियाज के अंदर, वहाँ पर थोड़ा सा ईज हो जाएगा प्रेशर के अंदर।
डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया हैज़ बीन कीन टू अट्रैक्ट द कंपनीज दैट वांट टू शिफ्ट इट फ्रॉम चाइना। आपको पता है कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज के शिफ्ट होने की न्यूज़ आई थी, तो इंडिया ने क्या किया था कि अगर इंडिया इस तरीके के लेबर रिफॉर्म्स का थोड़ा सा छूट दे देगा ना, तो कंपनीज को लेबर्स को हायर करने में आसानी होगी, वो अपने तरीके से हायर करेंगे तो कंपनीज को इंटरेस्ट आएगा कि वो इंडिया में आके अपना सेटअप करे। ये इस बात को भी ध्यान में रखते हुए किया गया था। इंक्रीज प्रोडक्शन टू फुल कैपेसिटी, ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे कुछ प्रोविजन से फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, जिसके अंदर यूनिट्स को कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता था अगर उनको 10 वर्कर लगाने, और कंपनी से रजिस्टर कब करना पड़ता था अगर वो पावर से रन कर रहे हैं। एक तो होता है आप मैनुअल रन करते हो मशीनरी, क्या होता है पावर से, पावर वाले के अंदर था कि आप 10 एम्प्लॉयज रन करोगे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, एक लिमिटेशन लगा रखी थी। अब इस चीज़ के अंदर क्या होता है कि आप ज़्यादा लोग लगाओगे, आप प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, उनका टाइमिंग अगर बढ़ा दो, बेसिकली नीड आपको समझ में आ गई ना, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट भी करना है उसको किक स्टार्ट के साथ, जल्दी रीस्टार्ट करना है। फिर इतने सारे माइग्रेंट लेबर्स के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो गया, उन सबको अनएम्प्लॉयमेंट जो हो गया है उसका प्रेशर डाउन करना है, तो थोड़ी छूट दे दी है। कंपनीज को दिखाई देगा, बाहर वाली कंपनीज की कंप्लेन ये रहती है कि इंडिया के अंदर आते तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लंबा टाइम लगता है, रिव्यू प्रोसेस है, हर चीज़ में रजिस्ट्री कराओ, हर चीज़ में वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, इन चीज़ों की छूट दे देंगे तो दूसरी कंपनीज को इंटरेस्ट आएगा इंडिया में आने का। लेकिन ऐसा करने के बाद कुछ इशू भी उठ के आए थे, ठीक है, कि भैया आप देखो अब आप फ़ायदा किसका कर रहे हो, आप इंडस्ट्रीज़ को रन करने की बात कर रहे हो लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एंड द हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ सोशल एवरीथिंग ऑन ऑफ किसकी, लेबरर्स की। आप उनकी जान को नुकसान हो सकता है ना, आप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, उनको आप दिन रात काम करवा रहे हो, उनके ऊपर रेगुलेशंस नहीं है, उनके हेल्थ नॉर्म्स आप हटा रहे हो, तो प्रेशर तो उनके ऊपर आएगा। इसी बात को लेकर अब ऑब्वियस बात है कि ये ह्यूमन राइट्स का एक ही कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी बोलना था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी बोलना था, यूएन का भी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको भी कुछ ना कुछ बोलना ही था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं। अभी पता होना चाहिए आपको ऐसे मुद्दे पर, अभी यहाँ कहीं लिखा नहीं है ये सारी चीज़ें, नीचे हर एक चीज़ नहीं लिखी हुई जो मैंने आपको बोली अभी। देखो ऐसे टाइम पर कौन उठ के आएगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन उठ के आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, जो इंटरनेशनल यूएन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी उठ के आएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी बता दिया था, वो तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आईएलओ के बारे में, एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो भी हर बार कमेंट करता है, जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे पे किया था, एनआरसीसीए वाले पे किया था, जो बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था उस पे किया था उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इनका आपको पता होना चाहिए, आप एग्जांपल से पुट अप कर सकते हो आंसर में। अगेंस्ट वर्कर्स राइट, उन्होंने कहा कि भाई आप जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग, उनके हक जो राइट है आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था कि इसके कारण कुछ एजिटेशन बढ़ेगा और एक्टिविज्म बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो इंटरनेशनल लॉज है ना वर्कर्स के, उसके अगेंस्ट है। 10 सेंट्रल ट्रेड के यूनियंस ने कंप्लेन फाइल की थी आईएलओ के अंदर, ठीक है, उन्होंने कहा था कि कुछ वायलेशंस हो रहा है, किसके का, आईएलओ के कन्वेंशन 87 का, आईएलओ कन्वेंशन 98 का, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आता है 87 के अंदर, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग आता है 98 के अंदर, इन सब का आप वो कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो। इसी के ऊपर आईएलओ ने अपना कुछ डीप कंसर्न जताया था कि भैया ये जो आपने लॉ में अमेंडमेंट्स किए, उन्होंने अपील की थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इंटरवीन कीजिए, उन्होंने अपने स्टेट्स वगैरह को मैनेज किए कि आप लोगों ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को साइन कर रखा है लेबर लॉज के रिगार्डिंग। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जानने की है, आर्टिकल 253 क्या है। आर्टिकल 253 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो स्पेशल पावर है कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह को इंप्लीमेंट करे, ध्यान रहे आपके पास ये पावर पार्लियामेंट के पास है। फिर लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन लेबर लॉ रिफॉर्म्स, मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि आप कितना भी रिफॉर्म कर लो इनका इतना इम्पैक्ट है नहीं। कैसे नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि देखो एक स्टडी की गई थी वीवी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के द्वारा 4 स्टेट्स में, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। उन्होंने बताया उनको ये रिपोर्ट में पता चला था कि जो अमेंडमेंट्स आपने किए ना लेबर लॉज के अंदर, ये इतने सक्सेसफुल नहीं है, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पा रही है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बूस्ट नहीं मिल रहा है, जॉब क्रिएशन के अंदर जो ग्राफ है आपका जॉब क्रिएशन का वो एकदम से स्पाइक नहीं कर रहा है, बहुत ही धीरे 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 उसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिल रही है, विच इज़ नेग्लिजिबल कीपिंग इन माइंड द अमाउंट ऑफ द लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द लेबर्स वी हैव। इसी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स रिपोर्ट होती है, उसके मुताबिक इंडिया की रैंक जो है ना वो 58 है, लेकिन चाइना की रैंक जो है वो 62 हैगी। तो उन्होंने कहा था कि भैया आपने रिफॉर्म कर भी दिया ना, उसके बावजूद भी आपके अंदर इतनी इम्प्रूव, मतलब आपने दिखाया कि आप लेबर लॉज के अंदर इतना रिफॉर्मेंट कर रहे हो, लेकिन आपकी जो रैंक है ना उसमें और चाइना की रैंक के अंदर कुछ खास डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। अब एक बार मैं उसको जरा पढ़ लेता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि चाइना के साथ कंपैरिजन है ना। फर्दर इंडियाज रैंक 58 इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स अगेंस्ट चाइना विच रैंक 62 इन द सेम,
ठीक है, सेम कंपटीशन के अंदर हमारी 58 रैंक है, चाइना की 62 है। दस वो कहना चाह रहा है, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट इज़ नॉट द मेन फैक्टर ड्राइविंग इंडियाज पुअर कॉम्पिटिटिवनेस। उसने कहा है कि जो कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट की कमी है ना हमारे पास, वो मेन फैक्टर नहीं है इंडिया की पुअर कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। बहुत ही कम एविडेंस अवेलेबल है दैट रिलैक्सिंग लेबर लॉज अलॉन विल अट्रैक्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। उसने कहा कि ऐसा हमारे पास एविडेंस है ही नहीं कि जिस तरीके से आप लेबर लॉज को रिफॉर्म कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो COVID-19 के पैंडेमिक में, कि इसके कारण आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, स्पेशली उन कंपनीज से जो चाइना को छोड़ के आ रही। अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी ना, यही देखो हम लोगों ने नीड में बात की थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं हमारा मैच होना कंटेंट बहुत ज़रूरी है। ये देखो डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग बेस, हमने कहा था कि चाइना से जो कंपनी शिफ्ट होकर आ रही हैं ये हमने सोचा था ऐसा रिफॉर्म करने के बाद ऐसा होगा, लेकिन ये जो लोग बता रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बता रहे हैं, WEF के जो ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स की रिपोर्ट बता रही है, वो कह रही है कि ऐसा कुछ एविडेंस अवेलेबल नहीं है आपके पास कि आप इस तरह की रिलैक्सेशन दे दोगे तो इन कंपनीज आपकी कंट्री में ज़्यादा आएंगी। बहुत ही शेलो स्कोप है हमारे पास रिफॉर्म्स का। दीज रिफॉर्म्स फोक ऑन लेबर एंड नॉट एम्प्लॉयमेंट। इशू हमारा लेबर नहीं है, इशू हमारी एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ की मेजर लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप फोकस जो कर रहे हो ना लेबर के ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी कि उनका जो डेली परफॉर्मेंस वगैरह उस पर काम कर रहे हो, लेकिन उनकी जो चीज़ें करने की एम्प्लॉयमेंट पे काम करने का वहाँ आप नहीं कर रहे हो। एक्चुअल प्रॉब्लम की जो इंडस्ट्री की है वो रिलेटेड है प्राइमरी जो प्रोविजन्स है ले ऑफ के, रिट्रेचमेंट के, क्लोजर के, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीमेंटेशन है, वहाँ प्रॉब्लम है। रिफॉर्म लाना इज़ नॉट द इशू। आपने जो पहले रिफॉर्म ला रखे हैं वो भी बहुत ठीक थे, लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ढंग से। और हैं भी कितने, 7-8% ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, वहीं तो होते हैं सारे रिफॉर्म। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन सा आप रिफॉर्म आपके लॉज इतने एप्लीकेबल होते हैं। फिर बात आ जाती है वे फॉरवर्ड की। अब आपको देखो इतना कुछ आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आया होगा ना किस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। तो अब वो नीड की बात कर रहा था, नीड हमें बता देनी है, इश्यूज हमें बता देने हैं। इस पूरे टॉपिक में दो मेजर चीज़ें क्या थी हमारे लिए, नीड, ये वाला जो सेक्शन आपके सामने रखा हुआ है, ये नीड क्या हो सकती है हमारी, प्लस इश्यूज़ क्या क्या है हमारे। अब आपको ये टाइटल के हिसाब से एक एक लाइन इसके ऊपर लिखनी आनी चाहिए। अब इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखोगे पूरा, यू हैव टू राइट, इसको क्रिस्प करना पड़ेगा, इसको शॉर्टकट। जब आप इश्यूज़ लिखोगे तो इश्यूज़ में आप नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, कि आपके पास 4 इश्यूज़ हैं। अरे रुक जाना, स्क्रीन थोड़ी भाग जाती है, सॉरी। 1, 2, 3, 4 चार आप इश्यूज़ लिखोगे। इसमें टाइटल लिख दोगे अगेंस्ट वर्कर साइड, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, लिमिटेड इंपैक्ट, शैलो स्कोप। अब इन चारों में आप दो दो लाइन या एक एक लाइन भी लिख दो, मैं तो कहूँगा कोई दिक्कत नहीं। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन आएगा ना, एक एक लाइन लिख दो चारों में से। और उसी तरीके से जो आपकी नीड वाला ऑप्शन था, नीड में भी आपके पास 4 पॉइंट थे, चारों में आप टाइटल डाल के एक एक लाइन लिख दो, दैट्स इट। बॉडी पार्ट पूरा कंप्लीट। इंट्रोडक्शन तो आपको ऊपर मिल ही गया था यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखने वाले थे, ये लेबर लॉस के बारे में थोड़ा सा यहाँ से लिखोगे आप इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको बोल ही दिया था। और नीचे वे फॉरवर्ड में, कंक्लूजन में हम पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। कंक्लूजन में बोल रहा है कि टू प्रमोट एंड इनेबलिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ओवरऑल इंटरेस्ट जो है ना लेबर लॉस, जैसे कि वेजेस हो गया, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, इन सबको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। एकदम ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन इसको बोलते हैं। इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए रिफॉर्म, जैसे कि डेवलपिंग अप्रेंटिसिस इकोसिस्टम एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम अराउंड मनरेगा, रदर देन मेयरली इन्वॉल्विंग लेबर लॉ रिफॉर्म्स। वही बातें हैं कि आपको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की इम्प्लीमेंटेशन पे, अप्रेंटिस के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। रूरल लेवल के अंदर एम्प्लॉयमेंट पे आप रिफॉर्म्स करते रहेंगे, वो एक रेड टेपिज्म फॉर्म हो जाता है, ठीक है। वो एक स्ट्रिक्टनेस डेवलप हो जाती है, उसके अंदर क्या है, ट्रेड यूनियन वाले जो होते हैं वो काम करवा नहीं पाते ढंग से, और जो मज़दूर लोग होते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप उनको पता ही होता है आप लोगों को, वो भी थोड़े थोड़े कभी कभी हल्की हल्की ज़िद वो भी कर देते हैं, तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आपका जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड लीगल फ्रेमवर्क। बस ये शब्द है, ये बहुत कॉमनली सुनते रहते हो आप, लेकिन देखो चार शब्द इन्होंने बोल्ड में लिख दिए, तो आप समझ पा रहे हो ना इंटेंशन क्या है, जिसने ये आर्टिकल पूरा इसमें लिखा है विजन की मैगजीन में। ये चार वर्ड आपके सेंटेंस में अगर आंसर राइटिंग में आ जाते हैं ना, और आप इसको अंडरलाइन भी कर देते हो, एग्जामिनर के दिमाग पर पता चलता है, क्योंकि ये वर्ड ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। इसलिए तो देयर शुड हैव यूनिफॉर्म डेफिनेशंस ऑफ की टर्म, जैसे इंडस्ट्री, वर्कर, एम्प्लॉयर, एज करंटली मोस्ट लॉज हैव डिफरेंट डेफिनेशंस। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, ये ना स्टार्टिंग में आना चाहिए था, इशू वाले में आना चाहिए था ये, पर ये यहाँ पे आ रहा है। ले जो एक्चुअली इशू में भी नहीं आना चाहिए, पता कहाँ आना चाहिए आपको एक्जैक्टली बताऊँ, ये आएगा जब हम लोग बात कर रहे हैं ना जो लेबर कोड जो हमारा आया हुआ है उसमें चार कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, वहाँ ये आएगा टॉपिक की जो लेबर के अंदर जो डेफिनेशंस वगैरह है ना, यही बहुत कन्फ्यूजिंग है कि हम लोगों की डेफिनेशंस पे काम करना है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, वर्कर का मतलब क्या है, एम्प्लॉय वगैरह की ना, हर एक लॉ के अंदर अलग अपने अपने हिसाब से डेफिनेशंस आएंगी, इसी कारण बहुत सारे डिस्प्यूट्स और कन्फ्यूजन होते रहते हैं।
आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक 15 मिनट कुछ लगे हमको इस टॉपिक में। 3.5 तक हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसी के नीचे हमारा टॉपिक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट। दोनों के दोनों जो टॉपिक है ना वो एनर्जी से, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, इन हर तरह की इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसके रिगार्डिंग में आपको पहले देखो दोनों रिपोर्ट हैं पहली बात तो, ठीक है। तो इसमें हमको प्रीलिम स्पेसिफिक डेटा ज़्यादा मिलेगा, मेन स्पेसिफिक कम मिलेगा, बट स्टिल वही अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो मैं आपको एक बार प्रीवियस ईयर के मेन से क्वेश्चन एनर्जी कीवर्ड को सर्च करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले इस रिपोर्ट में से हमें क्या कुछ निकालना चाहिए। तो ये रहे हमारे सारे मेन से क्वेश्चन की पीडीएफ और मैंने कीवर्ड डाला है एनर्जी। पहला क्वेश्चन मेरे पास आया, डिस्कस इन डिटेल द ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। ये क्वेश्चन हमारा आया था 2004 में GS2 में, ठीक है। एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ दी एनर्जी इंडिपेंडेंस, डिस्कस हाउ इंडिया कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन। ये सवाल आया था 2005 के GS1 में। इसके बाद हमारे पास है, ब्रिंग आउट दी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज ऑफ इंडिया, 2006 का क्वेश्चन है GS1 का। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एनर्जी कैसी थी वो डिफरेंट चीज़ है। हाँ ये ठीक है, एक बार देख लेते हैं। कमेंट ऑन द सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स इम्प्लिकेशंस ऑन द एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द कंट्री, 2009 का क्वेश्चन है। इवेल्युएट इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स मीटिंग द कंट्रीज ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स, कंपेयर द सक्सेसेस ऑफ दिस अप्रोच विद द वन ऑफ द अनदर एशियन जायंट विच हैज़ परहैप्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। अब ये इन्होंने इनडायरेक्टली चाइना के साथ पूछा था, GS2 के अंदर ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सब्सिक्वेंट टू द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप वेवर इन 2008, व्हाट आर द अग्रीमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी दैट इंडिया हैज साइंड विद डिफरेंट कंट्रीज। हालांकि थोड़ा सा हमारे करंट टॉपिक से वेरिएंट है बट स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए। 2011 में ऐसा क्वेश्चन आया है। 2011 में आया था कॉन्सेंट्रेटेड सोलर एनर्जी एंड फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी। और 2012 में आते, गिव द एक्सेलरेटेड पेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिमांड ऑफ एनर्जी, वुड यू कंसिडर रिन्यूएबल एनर्जी एज अ वायबल ऑप्शन फॉर इंडियाज फ्यूचर। अब बिल्कुल कितना क्लोजली देख रहे हैं ना आप जो करंट चल रहा है उसके कितना आसपास है ये क्वेश्चन। फिर आया था, विद ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स द एटॉमिक एनर्जी इज गेनिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस इन इंडिया, डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। ये सवाल हमारा आया था 2013 के GS1 में। This one is 2013 का क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन इंडियाज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर टू एलिविएट द प्रॉब्लम्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। आई होप अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखने लग गए जितना जितना हम पास आ रहे हैं। ये आया था हमारा 2014 के GS3 में, शुड द परस्यूट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सेटअप अंडर UNFCCC बी मेंटेन्ड इवन दो देर हैज़ बीन अ मैसिव स्लाइड इन द वैल्यू ऑफ कार्बन क्रेडिट, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एनर्जी नीड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। 2015 के GS3 में आया था, टू व्हाट फैक्टर्स कैन द रिसेंट ड्रामेटिक फॉल इन इक्विपमेंट कॉस्ट एंड टैरिफ ऑफ सोलर एनर्जी बी एट्रीब्यूटेड, व्हाट इम्प्लिकेशंस डज द ट्रेंड हैव फॉर द थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स एंड द रिलेटेड इंडस्ट्री। 2016 का सवाल है, गिव एन अकाउंट ऑफ द करंट स्टेटस एंड द टारगेट्स टू बी अचीव्ड पर्टेनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द कंट्री, डिस्कस इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइट एमिटिंग डायोड्स LED। 2016 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ध्यान दें। ये GS4 का होगा शायद, बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा केस स्टडी वाला टाइप का, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। GS2 का 2017, बिल्कुल रिसेंट, क्वेश्चन ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज। अच्छा सवाल था। 2018 का GS3 का क्वेश्चन है, एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज द सीने क्वा नॉन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। आई थिंक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे, आपको समझ में आ गया एनर्जी के टॉपिक के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम चलते हैं अपने दो टॉपिक्स के और दोनों को हम बैक टू बैक खत्म कर देते हैं। टाइटल इज 3.6 इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, जो भी एनर्जी के रिलेटेड एफिशिएंसी मेजर्स लिए गए थे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था 2018 और 19 के अंदर, उसकी रिपोर्ट है। किसने रिलीज़ की है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इन्होंने रिलीज़ की है रिपोर्ट जिसका टाइटल है वही मैंने आपको बता दिया। टाइटल बार बार क्या बोलूँगा, बहुत बड़ा टाइटल है यार। मोर अबाउट रिपोर्ट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। BEE एक स्टैचुएटरी बॉडी है, स्टैचुएटरी बॉडी मतलब इसको कोई एक्ट पास करके बनाया गया था, और एक्ट कौन सा पास किया था,
एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का किसने पास किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। तो डायरेक्ट प्रीलिम्स का डेटा है ये पूरा का पूरा। इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है टू असिस्ट इन डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि स्ट्रेटजीज बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा डेवलपिंग किस लिए, सेल्फ रेगुलेशन और मार्केट प्रिंसिपल्स को लेकर, जो कि ओवरऑल फ्रेमवर्क बनाएगा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को ध्यान में रखते हुए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी इंटेंसिटी जो है ना इंडियन इकोनॉमी में, उसको कम करना है। एनर्जी इंटेंसिटी क्या होती है? डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है तो पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसी डेफिनेशंस आ जाती हैं। एनर्जी इंटेंसिटी मेजर की जाती है जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना पर यूनिट आउटपुट के लिए, या फिर एक्टिविटी के लिए, या फिर जीडीपी, उसी को एनर्जी की इंटेंसिटी बोलते हैं। अब और गहराई में इसमें मत कूदना, आपको 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है? या फिर आपको कॉलेज के अंदर आपको मैकेनिकल का या फिर कोई और डिपार्टमेंट का, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है किसी सब्जेक्ट को, इतना ही हमारे लिए काफ़ी होता है। रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिपोर्ट क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कंडक्ट की थी एक एनुअल स्टडी, ये तो सिंपल सी लाइन लिखी है, इसमें क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है ना इसका स्टडी का, वो है कि हम एक इम्पैक्ट जो होता है ना एनर्जी एफिशिएंसी के स्कीम प्रोग्राम्स का इंडिया के अंदर, उस सबको असेस करना चाहते हैं कि इतनी सारी कितनी एनर्जी हम लोगों ने सेव किया है, कितना रिडक्शन हुआ है अमाउंट में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसमें कितना रिडक्शन हुआ है, ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स वगैरह के यहाँ पे बारे में बात की जाएगी, हर एक तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन उन्होंने खुद भी नहीं दे रखी है कि, तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं इंडिया के एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स के बारे में, ईई मेजर्स के बारे में। हो सकता है मैं एनर्जी एफिशिएंसी को बार बार बोलते बोलते थोड़ा सा जबान जो है वो लड़खड़ा जाए, तो भावनाओं को समझ जाइएगा कि मैं एनर्जी एफिशिएंसी की ही बात कर रहा हूँ। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन प्रमोटिंग द लो कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया ने लॉन्च किया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में। किस बात, क्यों लॉन्च किया था? बिकॉज देर वॉज नीड टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस एनर्जी एफिशिएंसी की, क्या इंपॉर्टेंस है, और इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारे कंट्री के अंदर लो कार्बन एमिशन हो सके। इट हैड फर्दर डायरेक्टेड इट्स पॉलिसीज बाय सेटिंग अप, फिर हम लोगों ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेटअप किया था, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने इनिशिएट किया था नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी कब सेटअप किया था? 2009 के अंदर। और ये एनर्जी कंजर्वेशन का जो हमारा एक्ट था, ये कब आया था? 2001 के अंदर। बीईई ये हम लोगों ने कब सेटअप किया था? बीईई कहाँ गया हमारा, मैं कहाँ पढ़ रहा था, हाँ बीईई ये हम लोगों ने सेटअप किया था 2002 में। तो आपको तीनों की ईयर पता चल गई, 2001 का पता करना है, 2002 का और 2009 का। चीज़ें थोड़ी सीक्वेंस में, थोड़ी क्रोनोलॉजी में इन्होंने यहाँ पर भी दे रखी है, कुछ यहाँ नीचे बता रखा है हमको, मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। बीईई के साथ साथ कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी नेशनल लेवल के ऊपर सपोर्ट किया था एनर्जी एफिशिएंसी को, उन्होंने अपने सेट ऑफ स्कीम्स लॉन्च किए थे। ये जो स्कीम्स थी ना, ये अक्रॉस मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर्स के अराउंड थी, जैसे इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कोई स्कीम थी, कोई कमर्शियल थी, कोई रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग थी। करंटली इंडिया के अंदर बहुत सारी एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स रन कर रही है, जिसमें कौन सी हैं, कुछ ये आती हैं। देखो भैया, इतनी सारी स्कीम अगर मैं आपको एक एक अलग अलग बताने लगा तो आपको पता है हर स्कीम 10-15 मिनट की लगती है, इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको एक बार नाम सुन के थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए हम किस चीज़ की बात करेंगे। लार्ज इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग एक स्कीम है जिसका नाम है पैट, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ये पैट स्कीम थोड़ी आगे भी यूज़ होंगे वर्ड, आपको पता होना चाहिए, लार्ज इंडस्ट्री के लिए है। MSME, इसके लिए रिगार्डिंग क्या है? बीई एसएमई प्रोग्राम है, जीईएफ वर्ल्ड बैंक का है, बीई प्रोग्राम है। तो एमएसएमई के लिए थोड़ी सी दो तीन स्कीम के नाम इन्होंने यहाँ दे दिए। डोमेस्टिक लाइटनिंग और अप्लायंसेस के लिए स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, एसएनएल उसकी फुल फॉर्म होती है, उजाला ध्यान रहे आपको, ये नाम थोड़े से आगे यूज़ होंगे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, याद मत करो बेशक अभी से। डोमेस्टिक बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो इको निवास संहिता और रेजिडेंशियल लेबलिंग। कमर्शियल बिल्डिंग्स की जब हम बात करते तो ECBC कमर्शियल बिल्डिंग, BEE स्टार रेटिंग प्रोग्राम, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम BEEP। एग्रीकल्चर अप्लायंसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर आया था हमारा एग्रीकल्चर डिमांड साइडेड मैनेजमेंट प्रोग्राम AGDSM, ये भी स्टार रेटेड पंप्स का था। ट्रांसपोर्ट की देखो अलग अलग कैटेगरी के रिगार्डिंग अलग अलग स्कीम है, तो क्या याद होनी चाहिए? मैं ये कहूँगा इसको स्किप कर दो, मतलब एक इतना तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट में भी निकाल दोगे, इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा हेडेक बना लोगे अपने ऊपर, या कि ये कैसे याद करेंगे, कहीं रिपीटेड आएगी ना तो आप बेशक आपको याद आ जाए अच्छी, पर इसमें स्पेशल टाइम मत इन्वेस्ट करना अपने 15-20 मिनट की यार इसको सबको याद करो, ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव एवरेज फ्यूल इकोनॉमी की बात आई थी, कैफे फेम, यार ये वर्ड ऐसे याद कर लो, पैट, उजाला, कैफे फेम, बीप, समझ रहे हो ना, मुडसम, एग्जम, ऐसे करके याद कर सकते हो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। म्यूनसिपैलिटी के लेवल के ऊपर आई थी हमारी म्यूनसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अभी सारे के सारे एक्रोनिम आपको थोड़ा सा आइडिया रखना, नीचे हम लोग जो पढ़ेंगे ना यही एक्रोनिम सारे आ रहे होंगे, पैट आ रहा होगा, उजाला आ रहा होगा, कहीं SNR आ रहा है, कहीं AGDSM, कहीं कैफे, कहीं फेम, कहीं MUDSM, नीचे आएंगे, बस थोड़ा आइडिया रखना कि अलग अलग
अलग अलग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है, कौन से करंटली इंडिया में कहाँ पर क्या चल रहा है बस। अब ये बोल रहा है कि भैया फोकस क्यों कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, तो देखो बहुत ही ऑब्वियस से सवाल है कि ना फोकस क्यों करना चाहते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसने तीन मेजर रीजंस दिए। पहला इसने रीजन दिया हाई ग्रोथ एंड एनर्जी डिमांड प्रोस्पेक्ट्स, तीन गलत बोल गया हमें। फिर इसने दिया कॉस्ट बेनिफिट होता है, फिर उसने कहा कि इंडिया के कुछ क्लाइमेट के रिगार्डिंग कमिटमेंट्स हैं, फिर उन्होंने कहा कि हैवी पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ कमिटमेंट्स हैं, फिर गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह ऑलरेडी इसी के अलाइनमेंट में रन कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। तो एक बार थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। सस्टेन्ड क्या था, हाई ग्रोथ एंड एनर्जी डिमांड प्रोस्पेक्ट, वो कहना चाह रहा है सस्टेन्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स ओवर द लास्ट टू डेकेड्स, पिछले 20 सालों के अंदर, टू डेकेड्स मतलब दो दशक यानी कि 20 सालों के अंदर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखे गए हैं, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, एस्पिरेशंस ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास की डिमांड है कि उनको एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है ना वो अभी भी डोमिनेट किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा। अब ये मेरे हिसाब से ना काफ़ी अच्छी लाइन है, इसमें ज़्यादा याद करने का वो ये है कि इंडिया इंपोर्ट करता है 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, ये आप लिख सकते हो, बाकी आपको याद हो जाएगा कि इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन है, राइजिंग एस्पिरेशन है, मिडिल क्लास की डिमांड बढ़ रही है एनर्जी रिसोर्सेज के साथ। ये एक बहुत शानदार लाइन है, लिखो बेशक मत याद रखो, ठीक है, ऐसी बातें लिखने की नहीं होती, याद रखने की होती हैं। जिसके कारण एनर्जी को सेव करने के प्राइम दो रीजंस हमारे पास निकल के आते हैं। पहला है इंपोर्ट डिपेंडेंस कैन इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी और इनइक्विटी इन एक्सेस। देखो पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट बता देता हूँ, जितना ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर होगा ना उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा खतरा होगा, उतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा थ्रेट के प्रति। क्योंकि अगर हम किसी कंट्री के साथ जिसका बहुत ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल हम लोग 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये आएगी कल को उस कंट्री के साथ हमारे अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही, हमारी उनसे बात नहीं बन पा रही, कुछ आपस में डिस्प्यूट हो गए, तो हमारा तो इंपोर्ट ही बंद हो जाएगा, ट्रेड ही बंद हो जाएगा। तो जितना कम इंपोर्ट हो, जितना हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे ना, देखो अब यहाँ पर आप आत्मनिर्भर अभियान को कनेक्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है, टॉपिक को कनेक्ट करने की कोशिश करो। द मोमेंट आप करंट अफेयर को कनेक्ट करोगे ना, ऐसे आत्मनिर्भर अभियान यहाँ पर काम आएगा। तो इसी रिगार्डिंग हम लोगों को अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना होगा। इनइक्विटी इन एक्सेस यानी कि देखो को एक्सेस करने के लिए ना जो भी रिसोर्स को एक्सेस करना होता है ना वो बहुत कॉस्ट हाई हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत आई है, फिल्ट्रेशन की है, मूवमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, कस्टम लग रहा है, फिर कहीं इंडिया का अपने अंदर हो रहा होता है कुछ एक्साइज वगैरह लग रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लस अलग अलग लोकेशन के ऊपर बेस्ड होता है, जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स बहुत हमारे बीच में आ सकते हैं, ठीक है। अब गल्फ एरिया से हम लोग कितना सारा ऑयल निकालते हैं, यूएस से हम कितना सारा ऑयल निकालते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज से हम लोग कितना सारा ऑयल निकाल रहे होते हैं, ठीक है, एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि लॉन्ग टर्म तक अबंडेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस की बात की जा रही होती है। हम लोगों को देखो मैं तो कहूँगा शायद ऊपर वाला पॉइंट हमारा ज़्यादा हैवी है कि इंपोर्ट की डिपेंडेंस को हमको रिड्यूस करना है। ये एक इनइक्विटी इन एक्सेस वाले को तो मैं शायद इतना वैल्यू नहीं दूंगा, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू दूंगा। एनर्जी कंजम्पशन सिनेरियो अगर हम थोड़ा सा नोट डाउन कर ले, इसमें थोड़ा सा डेटा दे रखा है बड़ा खूबसूरत सा, टोटल एनर्जी कंजम्पशन है वो 553.9 मिलियन टन्स है ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट 2017-18 का। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है वर्ल्ड के अंदर, सबसे टॉप पे यूएस है और चाइना है। अब ये अच्छी सी बात है, तो आपको ये तो लिख लो अपनी डायरी में, अभी जहाँ भी लिखते हो। इंडिया हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट में हाईएस्ट है, ध्यान रहे ग्रोथ में नहीं, ग्रोथ के रेट में हाईएस्ट है, यानी कि जो चेंज दिखा रहा है ना इंडिया ग्रोथ के अंदर उसमें हाईएस्ट है एनर्जी कंजम्पशन के जो रेट है ग्रोथ का। इंडिया का जो एनर्जी एग्जम्पशन है ना वो एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो करेगा फास्टेस्ट जितने भी ग्लोबल इकोनॉमीज़ में, और 11% होगा ग्लोबल एनर्जी की डिमांड जो 2040 तक। तो ये काफ़ी अच्छा रेट है, एक एंटिसिपेशन भी है 2040 के रिगार्डिंग, सो इट्स अ गुड थिंग टू नोट डाउन। फिर आता है कॉस्ट बेनिफिट, देखो वो कहना चाह रहा है फॉर एग्जांपल जो राइज है ना इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के अंदर, जिसमें डिमांड प्लस ट्रांसमिशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस सारे के सारे होते हैं, इन द मीडियम टर्म 2026 और 2027 वुड रिक्वायर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी एडिशंस ऑफ मोर देन 304 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी कॉस्ट जो है ना वो लेस देन कॉस्ट ऑफ मीटिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विद न्यू पावर प्लांट्स। कहने की बात यह है कि फ्यूचर के अंदर ना हमारी एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सेटअप में खर्चा लगाना पड़ेगा। वहीं पर हम अगर एफिशिएंट एनर्जी को टैकल कर पा रहे हैं, हार्नेस कर पा रहे हैं, तो वो जो हमारी कॉस्ट हमारी सारी सेटअप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाली है ना वो बच जाएगी। आजकल आप लोग देख रहे होंगे टीवी जो हमारे एंड्रॉयड टीवी आ गए हैं, स्मार्ट टीवी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं। हमारा पहले पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम सीआरटी मॉनिटर होता था, वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था। आज की डेट में हमारे लैपटॉप्स होते हैं, नोटपैड्स होते हैं, कंपैरेटिवली लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं,
ठीक है, पहले हम लोग लैंप यूज़ किया करते थे, लट्टू जो हमारे येलो वाले जो बल्ब होते हैं वो यूज़ करते थे। आज हमारे पास LEDs हैं, CFL हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, ये कम लाइट कंज्यूम करती हैं। इवन हम लोगों ने ये स्ट्रीट के ऊपर जितने जो सोलर सेल्स होते हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने LEDs लगा रखी होने, ताकि इवन सोलर एनर्जी को भी हम लोग प्रिजर्व कर सकें। तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है एफिशिएंट एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का। इंडिया की कुछ क्लाइमेट कमिटमेंट्स भी हैं। इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ना NDC, उसका टारगेट है कि इंडिया की जो एमिशंस है ना उनकी उसकी इंटेंसिटी को हम लोग 30 से 35% तक कम कर देंगे, जो 2005 के लेवल से थे वहाँ से लेके 2030 के लेवल तक। ये एक प्रडिक्शन है, एंटिसिपेशन है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मैं बताऊँगा, इंडिया इज़ मार्चिंग ऑन द पाथ ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, शिफ्टिंग। अभी हम लोग फोसिल फ्यूल से शिफ्ट कर रहे हैं बिल्कुल। हमारा फोकस है डिसेंट्रलाइज एनर्जी रिसोर्सेज। डिसेंट्रलाइज एनर्जी रिसोर्सेज का क्या मतलब है? जब सेंट्रलाइज एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं कि सारा का सारा जो डिपेंडेंस है वो फोसिल फ्यूल के ऊपर है, हम लोग उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब सोलर एनर्जी को भी यूज़ कर रहे हैं, विंड एनर्जी पर भी जा रहे हैं, वेव एनर्जी के ऊपर भी जा रहे हैं हम लोग, थर्मल एनर्जी को भी देख रहे हैं, जियो एनर्जी को भी पकड़ रहे हैं, टाइडल एनर्जी को भी पकड़ रहे हैं, हम लोग डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। वी आर ऑन द पाथ ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी एफिशिएंसी विल बी सेंट्रल टू दिस ट्रांजिशन प्रोसेस एज इट हेल्प्स टू मेक द ट्रांजिशन फास्टर एंड मोर इकोनॉमिकल। ऑब्वियस सी बातें, जब ये बात करता है कि नेसेसरी टू रिड्यूस द हैवी पॉल्यूशन। देखो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो ये भारत स्टेज फोर व्हीकल्स थे ना, फोर से डायरेक्ट फोर के बाद आना चाहिए था फिफ्थ, लेकिन हम लोग फोर के बाद फिफ्थ में इतने लेट हो जाते ना, चाइना से बहुत पीछे रह जाते। ये टॉपिक ना मैं कवर कर चुका हूँ पूरा का पूरा। तो हम लोग BS4 से डायरेक्ट हम लोगों ने BS6 के ऊपर जंप कर दिया है। अभी क्या होता है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया कि इंडिया BS4 के बाद BS5 पे ना जाकर डायरेक्ट BS6 पे जंप कर गया है? तो पॉल्यूशन कम करने के लिए हम लोगों ने ऐसे भी कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि नैप हो गया, इसमें 8 मिशन्स हैं, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, अमृत हो गया, DDU-GJY हो गया, सौभाग्य हो गया, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन हो गया, कुसुम हो गया। अब ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं ना, ये आपको ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा पढ़ो इनके बारे में, आइडिया रखो क्या क्या है, अमृत क्या है, ये सौभाग्य क्या है, स्मार्ट सिटी क्या है, कुसुम क्या है, एक आइडिया ज़रूर रखना। इवन आपका ये टॉपिक खत्म हो जाए ना, 10 मिनट लगा के एक बार इनके टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेना, ट्रस्ट मी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इस चार्ट में से आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो दो लाइनें आपको याद करनी, तीन लाइनें आपको याद करनी, वो ये हैं बस। इंडस्ट्रीज़ का हाईएस्ट शेयर है इंडिया के अंदर टोटल एनर्जी सेविंग्स में, कितना? 49.18% है। और डोमेस्टिक का मैक्सिमम शेयर है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर जो मैक्सिमम शेयर है वो 67% है इलेक्ट्रिक एनर्जी सेविंग के। बस इस वाले को अपने आराम से नोट डाउन कर लो, देख के क्या लिखा हुआ है। ओवरऑल जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है ना, वो मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स हैं, क्योंकि बिकॉज इट नॉट ओनली कंजर्व एनर्जी एट एंड यूज़। देखो हम लोग एंड यूज़ की यानी कि कस्टमर के पास जाने के बाद ही कंजर्व करने की बात नहीं करते हैं। जहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हाँ, जहाँ से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जहाँ से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लगी हुई हैं, जहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि हम लोग एनर्जी को एफिशिएंटली मेंटेन करें। तो कुछ कंसर्न्स हैं, अफोर्डेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो। अब मेंस के आंसर में आप ये चार टाइटल डाल के सब इनके सब टाइटल बना के इसके नीचे दो दो लाइन लिख दो, खत्म बात। सच ए वंडरफुल आंसर यू विल हैव। अब थोड़ा सा बात कर ले इम्पैक्ट क्या होगा एनर्जी एफिशिएंसी इंटरवेंशंस का इंडिया के अंदर। एक अच्छा डेटा है हमारे पास यहाँ पे, अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स ऑफ प्रोग्राम, इसके कारण क्या होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स होंगी 9.39, जो कि नेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का है। अच्छा डेटा है, नोट डाउन करो। पैट स्कीम मैंने आप लोगों को बताया था ना, पैट स्कीम ऊपर दिखाई दे रहा है, लार्ज इंडस्ट्री के लिए। पैट स्कीम क्या मतलब है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। तो यहाँ पर ही पैट स्कीम के बारे में बता रहा है। पैट स्कीम ने कंट्रीब्यूट किया है 57.72% ऑफ द टोटल एनर्जी सेविंग्स, वाइल SNL और उजाला, SNL भी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, देखो दोबारा दिखा देता हूँ आपको समझ में आएगा, मैंने कहा था नीचे आएंगी ये चीज़ें। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग किसमें, डोमेस्टिक लाइटनिंग एंड अप्लायंसेज में, SLN और उजाला ने अकाउंट किया है 36.26% टोटल एनर्जी सेविंग्स फ्रॉम ऑल द मेजर, जितने भी मेजर इंटरवेंशंस थे ना 2018-19 के, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की। अच्छा एक सवाल पूछूं यहाँ पे, जब ये 2018-19 लिखना ही है इसको, तो ये FY क्यों लिख रहा है इसके सामने, फाइनेंशियल ईयर क्यों बोलना चाह रहा है, ऐसा क्या स्पेशल होता है इसके अंदर? चलो आप इसका जवाब मुझे देना कमेंट सेक्शन के अंदर। ओवरऑल बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स हैं जो कि ट्रांसलेट किए गए हैं सेविंग्स के अंदर, जैसे कि 89,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, और हम लोगों ने कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सेव किया है, 151.74। यार बहुत अच्छा डेटा है ये ना, ऑप्टिमिस्टिक डेटा है, कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, हाँ कंक्लूजन बड़ा अच्छा रहेगा ये हम लोगों ने इतना तो कर चुके हैं, 89,000 करोड़ हम लोगों ने सेव किया है पैसा, हम लोगों ने 151 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सेव किया, इट्स अ वंडरफुल डेटा। आंसर राइटिंग के लिए
अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा कंक्लूजन के ऊपर। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, करंटली जो स्कीम्स प्रोग्राम्स हैं वो लार्जली सक्सेसफुल हैं कि हम एक अचीव करें एक सिग्निफिकेंट एनर्जी सेविंग। जितने भी सेक्टर्स हमारे, इंडस्ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, म्यूनसिपल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट, हाउएवर, लेकिन फ्यूचर लैंडस्केप वुड बी ड्रिवन बाय डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़। यानी कि भविष्य के अंदर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ होंगी, इकोनॉमी के मेगा ट्रेंड्स होंगे, जैसे स्मार्ट सिटीज़ की बात की जाएगी, आगे ई मोबिलिटी यानी कि ई व्हीकल्स, जो मोबिलिटी है मूवमेंट की बात है, ई ट्रेन्स होंगी हमारे पास, सारी की सारी ई बाइक्स होंगी, ई कार्स होंगे, ई व्हीकल्स होंगे, सारे के सारे ट्रक भी हमारे ई ट्रक होने वाले हैं भविष्य के अंदर, विच आर चेंजिंग द डायनेमिक्स ऑफ एनर्जी सेक्टर, जो पूरे के पूरे एनर्जी सेक्टर के डायनेमिक्स को चेंज कर दें। आजकल तो हमारे हाउस जो होते हैं वो भी ऑटोमेटिक होने स्टार्ट हो चुके हैं। BEE बताया था आपको ऊपर क्या होता है, उन्होंने डेवलप किया एक नेशनल स्ट्रेटजी प्लान विच मीन्स विच विल अनलॉक द नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल, UNNATEE इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। BEE ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसका नाम ये रखा है कि क्या करने के लिए, एक्टिविटीज टू ऑपरेशनलाइज इट वुड नॉट ओनली फोकस ऑन अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू मेक इंप्रूवमेंट्स बट वुड ऑल्सो इंक्लूड रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजीज। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर ये लोग एनर्जी की एफिशिएंसी को ऑब्वियसली बात है हार्नेस करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, वो ई मोबिलिटी के ऊपर भी जाएंगे, फ्यूल सेल व्हीकल्स पर भी जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे रिन्यूएबल और स्टोरेज वगैरह का, नेट जीरो बिल्डिंग्स के ऊपर बात करेंगे, डीकार्बोनाइजिंग करेंगे बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमी के। सो अनलॉकिंग ये UNNATEE क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नीचे इस बॉक्स में जानेंगे। यहां पर एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल बन के आता है, ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, फ्यूल सेल व्हीकल्स के रिगार्डिंग इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है फ्यूल सेल व्हीकल्स। ये मैं शायद उसमें पढ़ा चुका हूँ इनसाइट के ना डेली वाले में, मैंने एक जो इनसाइट के लिंक्स आते हैं ना उस क्वेश्चन में मैंने पढ़ा है, मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मेरे को भी सडनली याद है कि आपसे सवाल पूछ लेता हूं। जो लोग डेली फॉलो कर रहे हैं वो तो पक्का दे पाएंगे, और जो नहीं दे पाएंगे वो देखना, उनको ढूंढने के बाद बड़ी अच्छी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके साथ में। हम लोग बात कर लेते हैं UNNATEE, इसको प्रोनाउंस कैसे करते होंगे ना, उन्नाटी, आई डोंट नो कैसे करते होंगे। एक नेशनल लेवल की स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी को एक्सेलरेट करेंगे, स्पीड अप करेंगे इंडिया के अंदर। एक फ्रेमवर्क है पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, किस तरीके से हम लोग एनर्जी के सप्लाई डिमांड के सिनेरियो को, एनर्जी एफिशिएंसी की अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिया में लिंक करेंगे आपस में। इट डज सो क्लियरली डिलिनेट द एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट फॉर द रेस्पेक्टिव डिमांड सेक्टर्स अप टू द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल तक की बात कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में वो थोड़ा जाने। अब यहाँ पर ना ये अपना आप में देखो, मेंस के जो आंसर आप लिखते हो ना एक्चुअल में इस तरीके से लिखते हो, इतना छोटा छोटा लिखते हो आप डायरेक्ट टाइटल देते हो फेवरेबल रेगुलेशन, आप उसके बारे में एक लाइन लिखते हो, फिर आप लिखते हो एग्रीकल्चर बिल्डिंग इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट, फिर आप बताते हो एग्रीकल्चर के अंदर कौन से सेक्टर होंगे, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड जाएगा, एग्रो प्रोजेक्ट्स होंगे, बिल्डिंग्स में कहाँ जाएगा, इंसेंटिव्स होंगे, परचेजिंग एनर्जी एफिशिएंट हाउसेस, इंडस्ट्री में मैंने आपको ऊपर बताया था पैट प्रोग्राम, ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था FAME II स्कीम की बात कर रहा है, ऐसे आपके मेंस के आंसर बनते हैं, ठीक है। फेवरेबल रेगुलेशंस वो इन इन सेक्टर्स में करेगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जब वो बात कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म लाना चाहता है स्टेट लेवल्स के ऊपर, जिसके कारण नेशनल और लोकल लेवल प्रोग्राम के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आए, पावर है। इसने भी कुछ सेक्टर्स ने बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, सिंगल विंडो होगी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए, बिल्डिंग्स की बात कर रहा है, एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा। जब मैं बिल्डिंग्स की बात करता हूँ ना एनर्जी एफिशिएंसी की, तो एक और टॉपिक हमारा निकल के आता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। पिछले मंथ के कंपाइलेशन में डिस्कस किया था मैंने, अपने आप में फ्यूचर में आने वाला एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा कंसर्न तो मैं कहूँगा एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड वाइड स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलप करने की। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, तो इन द फॉर्म ऑफ रिजॉल्विंग फंड, रिस्क गारंटी, ऑन बिल फाइनेंसिंग, एनर्जी इंश्योरिंग, एनर्जी सेविंग्स इंश्योरेंस, एनर्जी कंजर्वेशन बॉन्ड्स, अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे इसके, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर होते हैं हिस्सेदार, तो जो भी हिस्सेदार होंगे उन सबको एंगेज करना, डेटा कलेक्ट करना, एक नोडल एजेंसी, एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी को सेटअप करना, स्टेट वाइज टारगेट्स बनाना, ये सारे के सारे UNNATEE की इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी हैं। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक है वैसे तो, इसमें इतना कुछ जो दे रखा है ना इसमें देर इज़ नथिंग मच अबाउट मीन्स, बट स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए। 3.7 में एनर्जी रिगार्डिंग ही है, एक ये भी एक रिपोर्ट ही है, तो पढ़ लेते हैं, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस एक ही पेज की है, बस एक और मतलब आधा पेज भी नहीं आई थिंक पूरा टोटल देखते हैं तो। न्यूज़ में क्यों थी यार, इसके बारे में जो मेजर चीज़ें ना वो बताऊँ, क्योंकि एनर्जी के जो स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं ना कि हमको अच्छा करना चाहिए, ये फ़ायदा होगा, वो तो हम ऊपर वाले में पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें जो काम की चीज़ें ना आपको वही बताता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है, टाइटल है इसका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, 115 कंट्रीज़ होती हैं, 40 इसमें इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है,
और इंडिया की रैंकिंग वगैरह की मैं अगर बात कर लेता हूँ तो ये देखो की फाइंडिंग्स हम लोग वो देखनी है इस पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक है। रैंकिंग में स्वीडन नंबर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, फिनलैंड 3 पे, इंडिया 74 पे, चाइना 78 पे। इसके अलावा आप लोगों को और कुछ खास करने की इसमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये चीज़ आप देख लो एक बार ज़रा, ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स फ्रेमवर्क है ना, ये अगर आपको ऐसा कभी डायग्राम अगर बनाने को मिले, मैं कहूँगा इसका आप बेशक से अपनी डायरी में लिख लो, एनर्जी का टॉपिक जो होता है आपका टाइटल होता है उसके अंदर, कि एनर्जी का जो ट्रायंगल होता है उसमें क्या क्या चीज़ों पे हम काम करते हैं। एनर्जी एक्सेस और सिक्योरिटी पे काम करते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ पे, ठीक है। जब आपको ये एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ लिखना होगा ना, तो आप इसको एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के नीचे टाइटल डाल के, ये किस चीज़ का पार्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पार्ट है, तो नीचे यहाँ पर टाइटल डाल के ऐसे और ये पूरा ट्रायंगल बना देना, उस पर लिख देना। द मोमेंट आप नीचे लिखोगे ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, बस वहीं से आपका काम खत्म, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। तो द एग्जामिनर नोस कि आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक इंडेक्स के बारे में पता है। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ये है क्या, ये ट्रांजिशन रेडीनेस इनेबलिंग डायमेंशन हैं, कि 6 डायमेंशंस की बात कर रहा है, एनर्जी सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, रेगुलेशंस एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस हो। अच्छा, मैंने अभी आपको प्रीवियस ईयर के जो मेंस के क्वेश्चन बताया था ना, उसमें कुछ बात कर रहा था कि एनर्जी इंटेंसिव, लेबर एक्सपोर्ट इंटेंसिव, ऐसा कुछ कर रहा था, एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ बात आई थी, तो मैं अभी क्वेश्चन रिकॉल कर नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, उस टॉपिक के अंदर ना ये वाला डायग्राम काम आएगा पूरा का पूरा, इनेबलिंग डायमेंशंस करके, और नीचे इसमें दे देना क्रेडिट किसका ही, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। इस टॉपिक में इतना ही था, हमको इसमें यही जाना था कि कौन से कंट्री की रैंकिंग क्या है। ऑब्वियसली बात है, यूरोपियन कंट्रीज की रैंकिंग अच्छी होगी, इंडिया चाइना से थोड़ा सा आगे है ही है, और देखो इंडिया यहाँ पे चाइना से कितना आगे है, यहाँ 4 रैंकिंग आगे है, और जो प्रीवियस रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, नहीं हम लोगों ने वो पढ़ी थी लेबर वाली पढ़ी थी, तो लेबर वाली के अंदर भी इंडिया की कुछ रैंकिंग चाइना से थोड़ी सी ऊपर थी। मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ज़्यादा दूर है नहीं, बिल्कुल हमारे सामने ही है, लेट मी जस्ट फाइंड इट राइट नाउ, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, इसमें इंडिया की रैंकिंग 58 है, चाइना की रैंकिंग 62। तो देखो दो टॉपिक में दोनों में गैप कितने का है, 4-4 रैंकिंग्स का है, ये लेबर वाला टॉपिक है। तो आई थिंक ऐसे शॉर्टकट तरीकों से आप याद रख सकते हो कि दो टॉपिक लेबर वाले के अंदर, और ये भी रिपोर्ट किसकी थी, ये देखो, अरे ये तो और भी अच्छा शॉर्टकट मिल गया, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, और वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। तो देखो कमाल की चीज़ होगी ना, इंडिया चाइना का आपको पता चल गया 4-4 की गैप है, दोनों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉमन है। चलो दैट्स इट, अगली वीडियो के अंदर इस इकोनॉमिक्स को पूरा खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थोड़ा कमेंट करके बता देना यार कैसा लगा।